तो इस प्रोग्राम को बनाएंगे हम, जिसमें हमें तीनों में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो जैसा कि स्टार्ट है तो स्टार्ट हो गया इसमें, देन इसमें थी डिक्लारेशन, एज अ प्रोसेस डिक्लारेशन थी। तो इंटीजर में तीन वैल्यू ले लेते हैं, दिन करके कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं, num1, num2, num3, कॉमा करके कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं, num लार्ज, ठीक है जी, एज इंटीजर ले लिया मैंने न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। इनपुट बॉक्स में ये एंट्री करवानी है, इनपुट कराने हैं नंबर 1, तो सी इंट का जो प्रोग्राम था के अंदर मैंने लगाना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर इनपुट बॉक्स ये ब्रैकेट में, और इनपुट बॉक्स के अंदर हम ये देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो हमें डिस्प्ले कराना है, एंटर नंबर 1 या एंटर फर्स्ट नंबर के लिए। तो इस तरह से अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ कैपिटल हो जाता है ना, कैपिटल होने का मतलब इसी को मैं 3 बार कर लेता हूँ, इसको बदल देता हूँ, 3 वैल्यू इनपुट करानी नंबर, num1, num2, num3, तीन नंबर करवाने हैं मैंने। अब मेरे पास कंडीशन है, ये 3 मैंने एक्सेप्ट करा लिया कि इज num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन लगेगी num1 इज ग्रेटर देन num2 देन यहाँ पे else की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है जी। तो num1 जब बड़ा हो तो यस के केस में क्या करना है, एन लार्जेस्ट इक्वल टू num1, मैंने क्या करना है लार्जेस्ट इक्वल टू num1 ये कर दिया। अगर नहीं तो लार्जेस्ट इक्वल टू num2, ठीक है जी, दोनों में सेव करेगा ही करेगा। अब इसके बाद क्या है, एक और इसकी कंडीशन है, क्या num3 ग्रेटर देन एन लार्जेस्ट, तो इफ num3 ग्रेटर देन लार्जेस्ट देन यहाँ पे भी एल्स चाहिए होगा। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, ये आपने एंड इफ कर दिया है ना, इसी के अंदर ये वाला इफ नहीं लगा सकते? नहीं देखिए क्या हो रहा है, फ्लो को यही तो समझना है, अगर मैं इसमें यस ही यस में चलता जाऊं तो क्या होगा, ये मुझे लार्जेस्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दूसरा बड़ा हुआ तो लार्जेस्ट कैसे मिलेगा, ये फ्लो आके उसी धारा में वापस मर्ज हो रहा है, इन दोनों में से एन लार्जेस्ट में वैल्यू सेव हुई और फिर वो एक ही लाइन में आगे बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ है डिसीजन का चक्कर, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है जी, इस इफ के अंदर यस नो में फिर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने करना है कि अगर ग्रेटर देन है तो मैसेज बॉक्स में मैं डिस्प्ले कर दूंगा num3, नहीं तो एल्स केस में मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दूंगा लार्जेस्ट, ठीक है जी। F8 चला के देखते हैं, F8 दबाता हूं मैं, स्टार्ट हो जाएगा। इनपुट बॉक्स में पहले मेरे से नंबर मांगेगा, पहला नंबर दिया मैंने 20, दूसरा नंबर दिया मैंने 10, तीसरा नंबर दिया मैंने 30, ठीक है जी, तीनों। अब ये चेक करेगा, 20 और 10 दिया था मैंने, तो 20 बड़ा है num2 से, आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू भी दिखा रहा है, तो 20 बड़ा होगा डेफिनेटली लार्जेस्ट में एन नम जाएगा, तो एन नम में जो है 20 की वैल्यू चली गई, ठीक है जी। एंड इफ पे आ गया, अब आगे चल रहा है ना, मतलब मर्ज हो गई वो आके लाइन आपकी, देन आया एन लार्जेस्ट में 30, एन नम में 30 है, लार्जेस्ट में 20 है, तो एन num3 बड़ा है तो क्या डिस्प्ले करेगा नम, ठीक है जी, एंड हो गया।
ठीक है, ये था प्रोग्राम इसको समझने का, इस चीज को। देन अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए कि इफ एल्स में जैसे यस में चला तो यहां से यस पे ही एंड हो गया, और नो पे चला तो नो के अंदर एक बार कंडीशन थी, फिर यस पे चला, ठीक है, यस नो। इस फ्लो को कैसे बनाएंगे, ये क्या है, चेक इफ द एज इज नेगेटिव। ये चेक करना है कि एज नेगेटिव तो नहीं, और इसमें साथ ही साथ ये भी चेक किया है कि कहीं जीरो भी तो नहीं डाल रखा उसने, ठीक है जी। तो न्यूमेरिक एन एज करके हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक्सेप्ट कराया, हमने चेक किया इज एन एज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है तो हमने एक मैसेज शो करा देना, डिस्प्ले एज कांट बी जीरो करके आउट हो जाना है इस प्रोग्राम से, ठीक है जी। यहाँ आया और यहां से आउट। अगर नहीं है तो ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, क्योंकि दो चीजें होती है, जीरो से छोटी भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है। जीरो तो नहीं है, वो हमने यहाँ चेक कर लिया, ठीक है। अगर बड़ी है तो दिखा देनी है एज आपकी, राइट एज, और अगर जीरो से छोटी है तो दिखा देना है डिस्प्ले एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है जी। ये प्रोग्राम है, इसको देखते हैं, इसका नाम मैं प्रोग्राम का बदल देता हूँ, बी कर देता हूँ। इसमें मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए खाली, ठीक है जी। डिस्प्ले क्या करानी है, मतलब एज ही एंट्री करवानी है, और कंडीशन पहली आई हमारी इज एन एज इक्वल टू जीरो, तो इज एज इक्वल टू जीरो, देन इसमें क्या करना है, यानी कि यहां पे एज कैन नॉट बी जीरो, मैसेज बॉक्स में ना, मैसेज बॉक्स में तो सर एक चीज पूछ रही थी आपसे। हाँ जी, जैसे आपने वो डायग्राम सा बना हुआ है वहां पे ना, उस पेज पे उसका फ्लो चार्ट बना हुआ है प्रोग्राम का, ये फ्लो बना हुआ है, तो आप क्या कहते हैं कि ये फ्लो बना लिया जाए प्रोग्राम रन करने से पहले? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इस फ्लो को समझ लिया जाए, इस फ्लो से आप तो आ ही रहा है ना कि प्रोग्रामिंग मेथड क्या है। प्रोग्रामिंग मेथड को मैंने इस तरह से समझाया है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट की तरह से, ठीक है जी। क्या स्टेप्स क्या होने चाहिए कि हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर एज मांगनी है, फिर इस कंडीशन से चेक करना है, और देन लास्ट में आउटपुट करना है, तो ये फ्लो होता है, ठीक है जी। इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीन चीज होती है, तो प्रोसेस में वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप मिली समझिए कि वो भी प्रोसेस होता है, पर एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि कुछ हमने इनपुट किया इस प्रोग्राम में, कुछ प्रोसेस किया और बाद में आउटपुट निकाला, मेन फंडा ये होता है, ठीक है जी। इन तीन स्टेप में तोड़ के हमने बाकी के स्टेप और बना दिए, ठीक है जी। ठीक है, तो मैसेज कैन नॉट बी जीरो कर दिया। अब क्या करना है कि इसके बाद तो ये बाहर जा रहा है, तो यानी बाकी का खेल मुझे इसके अंदर करना है, ठीक है जी, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यही करना है इसी। तो हमारे पास एक एलसी भी होता है, एलिफ होता है मेरे ख्याल से, एलिफ, ठीक है, अभी देखते हैं, एलिफ एलसिफ होता है, एल्स इफ, इसमें हम कंडीशन डाल सकते हैं अगली वाली कि एज ग्रेटर देन जीरो, अभी दिखाता हूं आपको समझ आ जाएगा। इसको एलसिफ इकट्ठा आता, तो ये एल से इकट्ठा आता है, ठीक है जी। एल सिफ का मतलब होता है कि यहां से कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स के केस में एल्स पे जाता है, पर एल सिफ के साथ आप एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो तब जाके यहां पे जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा, और इसके बाद एल्स आ जाता है,
ठीक है जी, यहाँ पे भी else if कर सकते हैं, फिर else, तो आपको एक खाली else देना पड़ेगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ करवाना है, ठीक है जी। अब मेरे पास दो इसकी वाली हो गई। मेरे को एक्चुअली सॉरी, मेरे को ये ठीक से समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा देंगे? आपने एज एंड एफ एज इक्वल टू यू एंड एज कैन नॉट बी जीरो, एल्स इफ एज, ये मेरे को समझा दीजिए ये वाला। मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मेरे को समझाने में ज्यादा आसानी होगी प्रोग्राम को चलाते हुए, ठीक है जी। ठीक है सर। तो एज मैंने ये कंडीशन डाली इसके नो में, ठीक है जी। यहाँ पे यस में तो मैंने वैल्यू डाली दी है, पर इसके नो में एक कंडीशन है, ठीक है जी। मतलब एल्स तो है, पर एल्स के साथ इफ भी है, और उसके भी दो पार्ट है, यस और नो, यानी उसमें भी मुझे देन के बाद देना है और एल्स के बाद देना है, ठीक है जी। तो एल्स इफ का मेरे पास है, और एल्स इफ में मैं देखता हूं क्या है, ट्रू हो जाए तो यस में क्या करना है, मैसेज बॉक्स से एज डिस्प्ले करा देना, एज, और नहीं तो क्या करना है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, हेलो, हाँ जी सर बताइए, अच्छा नंबर, हाँ हाँ जी सर बताओ नंबर क्या है, नाइन फोर फाइव वन एट सिक्स। हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव कर दिया मैंने। अब देखिए प्रोग्राम चलेगा कैसे, एल्स को अगर आपको देखना है ना, एल्स इफ मैंने यहाँ लगा रखा है, इसको आप इस तरह भी से भी समझ सकते हैं कि एल्स के अंदर मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अगर मैं इस तरीके से नहीं है ना, तो इसमें एंड इफ ना लगाना पड़े इसके लिए, इस इफ को इस एल्स के साथ जोड़ दीजिए, बस ये क्लियर, ठीक है जी। अच्छा और कुछ भी नहीं है, अब बाकी इसको चला के देख लेते हैं। F8 से मैं आगे बढ़ा, एज इसने बोला एज एंटर कीजिए, मैंने कर दी -12, ठीक है जी। तो पहले इसने चेक किया कि ए जीरो है, तो जीरो तो नहीं है, एल्स में चला गया। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि ए जीरो से बड़ी है कि छोटी है, जीरो से छोटी है तो एल्स केस में जा रहा है, बड़ी होती तो मैं एज दिखा देता, छोटी है तो यहाँ एज के नॉट भी नेगेटिव। अगर इसी को मैं दोबारा चलाऊं और यहाँ पे जीरो डाल दूं तो क्या होगा, एज कैन नॉट बी जीरो, ठीक है जी। दोबारा से चलाऊं और इसमें ठीक है एज डाल दूं, ओके, तो ये चला जाएगा कैलकुलेट करता हुआ एज दिखा, ठीक है जी। तो ये था प्रोग्राम हमारा, अब यहां तक क्लियर है सर प्रोग्राम? हाँ जी सर। और आगे चलते हैं, अब ये लूप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा घुमावदार है क्योंकि इसमें फ्लो भी घुमा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, नंबर किस चीज का है, प्रोडक्ट ऑफ 10 इवन नंबर, 10 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है जी।
तो इसमें यूजर वगैरह से एंट्री नहीं करवा रहे हम, डायरेक्टली वैसे ही कंप्यूटर से ही ले लेते हैं इनको। तो हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल में वैल्यू भी दे दी यहाँ पे कि एन नंबर इक्वल टू टू, एन इवन इक्वल टू जीरो और प्रोडक्ट इक्वल टू वन, ये तीन लिए हमने यहाँ पे, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़े, इसमें आया एन प्रोडक्ट। एन प्रोडक्ट जो अब तक वन था उसने क्या किया, एन नंबर को मल्टीप्लाई किया एन प्रोडक्ट में, एन नंबर को मल्टीप्लाई किया एन प्रोडक्ट में। अब देखिए यहाँ पे भी एन प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी एन प्रोडक्ट है, तो अभी तक जो वैल्यू वन थी, एन नंबर में क्या था, दो, दो से एक मल्टीप्लाई हुआ दो, तो एन प्रोडक्ट में जो पहले एक था वो अब बदल के दो हो गया, ठीक है। देन इसने क्या किया, एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस टू, क्यों किया, इवन नंबर से शुरुआत हो रही है, ठीक है। एन नंबर क्या है, पहले से दो है, दो से चार बन गया यहाँ, ठीक है, दो का इंक्रीमेंट अपने आप में कर रहा है, चार बन गया। अब एन इवन इक्वल टू एन इवन प्लस वन, मतलब एन इवन में अभी तक जीरो थी और एन इवन में अब आ गया वन, तो मतलब पहला इवन नंबर इसे नंबर में जा चुका है, ठीक है जी, एन नंबर में। तो ये क्या कर रहा है, ये काउंटर कर रहा है, ये गिनेगा कि इवन कितने हुए, वन टू थ्री फोर, ठीक है जी। इसी तरह प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट निकालता चला जाएगा, नंबर में जो भी होगा वो प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेगा, पहले वन था तो दो आया, दो से दो यहाँ डाल दिया, अब अगली बार आएगा तो दो यहाँ पे होगा, तो दो से अगला नंबर क्या आया, यहाँ से चार बना, चार से दो करेगा तो आठ हो जाएगा। इस तरीके से कब तक चलेगा, यहां तक आएगा, डिसीजन चेक करेगा, इस एन इवन, ये जो हम एक एक बढ़ा रहे हैं एन इवन में, वो जब तक दस नहीं हो जाता, ठीक है जी, जब तक दस से छोटा है एन इवन, तब तक ये फ्लो को वापस यहां पर अटका देगा, फिर ये तीन चलेंगे, फिर यहां से अटका देगा, तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और इस तरीके से जब फॉल्स हो जाती है, दस बार कैलकुलेट कर लेगा तो एन प्रोडक्ट दिखा देगा। अब इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए पहले मेरे को आपको एक ड्राई रन टेबल दिखाना पड़ेगा कि वो बेसिकली करना क्या चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफी हद तक मतलब क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन की स्टेट है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेल में करता हूं, यहां पे मैं तीन वेरिएबल लेता हूं, कौन कौन से, नंबर इवन और प्रोडक्ट, ठीक है, इन तीनों में क्या क्या वैल्यू है, नंबर में दो है, इवन में जीरो है, प्रोडक्ट में वन है, ठीक है जी, अभी ऐसा है। तो पहली बार जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या करेगा, एन प्रोडक्ट जो है एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन प्रोडक्ट हो जा रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो एन नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट हो जा रहा है, ठीक है जी, फॉर्मूला सही लगाए हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एन नंबर इक्वल टू एन नंबर प्लस टू, एन नंबर क्या कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यू में इसमें प्लस टू कर देगा, ठीक है जी, यहाँ पे फॉर्मूला रख गया। और ऊपर क्या कर रहा है, एन इवन में प्लस वन कर रहा है, यानी कि इस वाली में प्लस वन कर रहा है, ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम जब तक ये इवन जो है दस नहीं हो जाता तब तक चलेगा, ये दस से छोटा है जब तक, यहां आया ये, इसको भी ट्रैक कर लाया, इसको भी ट्रैक कर लाया, ठीक है जी। तो इसमें से आपकी वैल्यू आनी, जब तक 10 से छोटा है यानी कि यहां तक आएगा, वो चेक करेगा, फिर भेज देगा
अगर पहली बारी में आपका क्या चला, ये चला, दूसरा ये चला, तीसरा ये चला, चौथा ये चला, पांचवा ये, छठा ये, सातवा ये, इसी तरह से ये चलेगा। कंडीशन इस पे लगी हुई है, ठीक है जी। तो इसमें रिजल्ट देख लेते हैं, आप इस पहले प्रोग्राम को बनाते हैं तो एक्चुअली में ये होने वाला है प्रोडक्ट के साथ जो यहाँ पे। पर एक चीज ध्यान देने की है कि इतनी सारी वैल्यू जो है ना अपना इंटीजर की लिमिटेशन है, तो ये वैल्यू जा रही है मेरे ख्याल से कहाँ तक जा रही है, 91,000 करोड़ों तक जा रही है, ठीक है। तो उसकी जगह हम यूज करेंगे सिंगल, सिंगल या डबल, कुछ लिमिटेशन होती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अच्छा ठीक है जी। इंटीजर जो है 32,600 कुछ तक ही कैलकुलेट करता है, अगर इनके बारे में डिटेल देखनी हो ना पहले आपने, देखो कहीं दो बार एडिट कर। सर मैं एक मिनट में आया। हाँ जैसा भी रहा, ठीक है एक मिनट। तो इस प्रोग्राम में जो हमने अभी समझा कि इस प्रोग्राम को समझा, अभी यहां से देखते हैं कि तीन वेरिएबल डिफाइन किए मैंने सिंगल, सिंगल भी यूज कर सकते हैं। इसको मान लीजिए इंटीजर का बड़ा भाई, जो वैल्यू आपका इंटीजर नहीं हैंडल कर सकता सिंगल कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा न्यूमेरिक के लिए ही ये यूज होता है, इंटीजर सिंगल डबल जो है न्यूमेरिक के लिए यूज होते हैं, लॉन्ग भी न्यूमेरिक के लिए यूज होता है, ठीक है जी। पर उनकी लिमिट होती है कि इतने तक ये चलेगा, इससे ज्यादा करना है। तो मैक्सिमम वाला जो है वो डबल है, सिंगल उससे छोटा है। अब मैंने क्या किया, उनको वैल्यू असाइन करवाई, यहाँ पे नम में 2 डलवा दिया, इवन में 0 डलवा दिया, प्रोडक्ट में 1 डलवा दिया, ठीक है जी। तो सेम वैसी कंडीशन मैंने लगी। अब ये लूप का पार्ट होने के कारण, लूप का पार्ट होने के कारण मुझे इसको लूप के अंदर देना है। लूप का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये वैल्यू रिपीट होगी। डू का मतलब है डू, ये तीनों तीनों जो है कंडीशन तब तक, तीनों कैलकुलेशन तब तक रिपीट करो जब तक ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है, ठीक है जी। ठीक है जी, ये तो डू लूप, ये कंडीशन आ गई फाइल के साथ, जब तक इवन ग्रेटर देन इवन लेस देन 10, जब तक इवन की वैल्यू 10 से छोटी रहती है तब तक ये बार बार लूप जो है वापस डू पे भेज दिया करेगा इसे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये नीचे देगा, ठीक है जी आगे। अच्छा तो बेसिकली काम तो वो प्रॉड और नम ही कर रहे हैं, लेकिन इवन को आपने सिर्फ इसलिए बना रखा है एक वो चक्कर चलाने के लिए, है ना। हाँ आप सही समझे। तो आप इसको देखिए कि जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है जी। इवन जो कर रहा है ये बस अपने आप को काउंट कर रहा है, पहले 1, 2, 3, 4 कितनी बार चला, ठीक है जी। कंडीशन यही चेक कर रही है कि 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, हमने 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए ये कोड हो गया अपना, इवन को ले लिया, इवन पे कंडीशन सेट कर दी, ठीक है जी। काम ये वाला करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपडेट करके चलाते हैं, आगे अपडेट करके चलाते हैं। यहां से नम में 2 गया, ये गया यहाँ पे, तो नम में पहले 2 है, फ्रॉड में पहले 1 है, और इस फ्रॉड में भी 1 है। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो वापस चेक करेंगे तो फ्रॉड में 2 आ चुका है, नम में 2 है और फ्रॉड में 2 है, ठीक है जी। ये एग्जीक्यूट कर चुका है, अब वेरिएबल की वैल्यू बदल चुकी है, फ्रॉड में 2 हो चुकी है, ठीक है जी। अभी तक नम की वैल्यू क्या थी, 2, जैसे ही पार किया हमने तो नम की वैल्यू 4 हो चुकी है इस कैलकुलेशन में। इवन की वैल्यू अभी तक 0 थी, जैसे ही हम आगे क्रॉस किए तो इवन की वैल्यू 1 पे बदल चुकी है। हमने चेक किया कि 10 से छोटा है तो इवन में क्या वैल्यू 1 है, तो है
डू केस में क्या आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। इसी तरह से ये जब तक छोटा होगा ये बार बार यही चलाता रहेगा, और जैसे ही बड़ा हो जाए, जैसे ही इवन में आप देख रहे हैं 8 वैल्यू आ गई, आगे इवन में 9 आ गई, अब 10 जो है 10 हो चुका है, वो छोटा नहीं रहा। अब ये भी 10 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इक्वल हो गई पर छोटी नहीं है, ये बाहर आ जाएगा और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर देगा। और मैं डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है हमें, फ्रॉड को नंबर। अच्छा सर एक बात बताइए, ये आप इफ यूज करके भी कर सकते हैं क्या चीज, ये लूप इफ करके भी बना सकते हैं? किसके किसके क्या करके नहीं बना सकते, इफ करके इफ? हाँ नहीं सर, देखिए जो होते हैं ना वीबीए में 3-4 तरह के होते हैं। अभी तो मैं आपको अभी बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, इसके बाद लूप को अलग समझाऊंगा, इफ एल्स भी समझाऊंगा, स्विच केस स्टेटमेंट भी समझाऊंगा। अभी तो मैं खाली इन्हीं कंडीशन में आपको खाली प्रोग्राम दिखा रहा हूँ समझाने के लिए खाली, ठीक है जी। नहीं तो अगर आपको लूप को बीबीए में सर्च करने हैं तो बहुत तरह के लूप होते हैं, आप गूगल पे जाके देख सकते लूप इन बीबीए, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि मतलब बीबीए में कितने तरह के लूप होते हैं आपके, एक्सेल बीबीए लूप, तो फॉर होता है, डू वाइल होता है, डू अंटिल होता है, सिंगल लूप, मल्टीपल लूप, ये अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल कोड के साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर अब आपके लिए इन कोड्स को समझना, जो मैंने अगर आपको वाइल लूप समझाया है, अब देखिए इसमें यहाँ पे भी डू वाइल लगाया और मैंने वहां पे भी डू वाइल लगाया, पर ये वाइल जो है यहाँ डू के साथ लगा हुआ है, मैंने कहाँ लगाया था, लूप के साथ लगाया था, ठीक है जी। तो इसी तरह छोटा छोटा डिफरेंस है जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप के बारे में, जैसे डू अंटिल लूप, पूरा वर्क के लूप मिलेंगे आपको, ये रहा ना सिंगल लूप, डबल लूप, तो डबल लूप, ट्रिपल लूप भी है, तीन तीन लूप एक ही के अंदर एक साथ ही लगा रखे, ठीक है। तो आपको आप जो क्वेश्चन कह रहे थे ना कि आपको जो वो सेव कराने को बोला था वो लूप के अंदर चल रहा था, मंथ नेम वगैरह कह रहे थे ना, अच्छा हाँ, तो वो लूप के अंदर चल रहे थे तभी वो करवा पा रहे थे बार 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 बार, बट आपको उस समय कारण नहीं समझ आया क्योंकि आप लूप को जानते नहीं थे, ठीक है जी। ओके अब आपको मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई है कि लूप करता क्या है असल में, रिपीट करता है। जी हाँ जी हाँ जी जरूर, यही काम होता है अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। अब ये कोड देखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, ऑड इवन ऑड नंबर काउंट कराने, मतलब यूजर को फ्री छोड़ दिया कि तू डाल नंबर, और ये हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा कि उसने कितने इवन नंबर डाले और कितने ऑड नंबर डाले। प्रोग्राम कैसे चला, इसने क्या किया, एक नंबर लिया जो कि यूजर से एक्सेप्ट कराना है, एन ऑड एन इवन और एन काउंटर, ठीक है जी। अब यूजर को इतना भी फ्री नहीं छोड़ना है कि वो डालता ही जाए डालता ही जाए, उसको बताएंगे तो सही कि भैया 10 डालने हैं, 20 डालने हैं, 30 डालने हैं, इतनी वैल्यू से ज्यादा ना डाले, और एन ऑड एन इवन हमारा काउंट करता रहेगा। काउंटर किस लिए लगाते हैं, जो आपने कहा कि इवन का जो मैं चक्कर चला रहा था उसको कहते हैं काउंटर एक्चुअली, जो कि काउंटर हम यहाँ यूज करते हैं जिसको हम लूप की कंडीशन में यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले कि इतनी बार चलाना, ठीक है जी। एन काउंटर अभी 1 पे सेट किया, ऑड 0 पे सेट किया, इवन 0 पे सेट किया, यूजर ने नंबर दिया, इसने चेक किया नंबर इज मॉड्यूलो बाय 2, रिमाइंडर वही 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो इवन में प्लस करेगा एन इवन, ठीक है, और नहीं है तो डेफिनेटली ऑड है तो ऑड में प्लस करेगा, तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। फिर जाके एनकाउंटर पे चले जा रहे हैं, एनकाउंटर ने कहा कि एक चक्कर पूरा हो गया, एक आगे चला वापस आ गया नंबर, फिर चेक हुआ, जो इवन का इवन में चला जाएगा, ऑड का ऑड में चला जाएगा, काउंटर अपनी रेंज बढ़ाता रहेगा। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन रखी कि 50 जब तक वो 50 वैल्यू ना एंटर कर दे इसको रिपीट करते रहो इसी प्रोग्राम,
तो ये क्या हुआ, लूप के अंदर हमने क्या लगा रखी है, इफ की कंडीशन लगा रखी है, ठीक है जी। लास्ट में क्या है, जब 50 वैल्यू पूरी हो जाती है तो ये क्या करता है, डिस्प्ले एन ऑड डिस्प्ले एन इवन, मतलब इवन नंबर कितने ऑड नंबर कितने वो डिस्प्ले करता है, ठीक है जी। तो हम इसमें इसको भी करके देख लेते हैं कि ये क्लियर है, इसको करने की जरूरत है, कर दूं बेटर है सर इस, हाँ एक बार इसको कर दीजिए तो थोड़े एग्जांपल हो जाएंगे ना मेरे पास भी। हाँ, ये मैं आपको फाइल भी मेल कर दूंगा ताकि आप देख देख के समझ सके, है ना। हाँ तो इसको बनाते हैं, चलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एन नंबर एन ऑड एन इवन एन काउंटर नंबर ऑड इवन और सी टी आर कर देता हूँ काउंटर के, ठीक है। सिंगल यहाँ पे भी चला सकता हूँ, मैक्सिमम वाला हम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब वैल्यूएबल डिक्लेयर क्या कहती है, काउंटर में वन बाकी में जीरो, तो यहाँ पे नम तो उससे लेना है यूजर से, ऑड इवन जीरो जीरो और सीटीआर में वन, काउंटर में वन उससे भी चाहिए यूजर से भी चाहिए, नम तो हमें अच्छा वो पर लूप के अंदर चाहिए क्योंकि तो बार बार एंटर करेगा ना, ये लूप का घेरा है, लूप के अंदर है फ्लो जो है ऐसे घूम रहा है, तो ये इसके अंदर है, तो हमें लूप के अंदर ये चीज करनी है। तो यही लूप चलेगा और इसमें क्या करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे अपना डिस्प्ले इसी को डिस्प्ले का भी बाद में लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो डू के अंदर हम लगाएंगे, पहली चीज है हमें उसको एक्सेप्ट करना है नंबर में, तो नम इक्वल टू इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू सिंगल, सी इंट जो होता है वो उसके लिए होता है, सी इंट यहाँ पे भी लगा सकते हैं वैसे भी, तो इसमें लगा देते हैं एंटर वैल्यू, वैल्यू एंटर करी इसके अंदर आ गई नम के अंदर, देन क्या किया कंडीशन आ गई तुरंत, इज नंबर मॉड बाय, तो इफ की कंडीशन आ जाएगी कि इफ नम मॉड टू इक्वल टू जीरो देन एल्स और एंड इफ यहां पे लिख लेते हैं। अब देखिए कोड में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए हम एक एक मेथड फॉलो करते हैं जिनके बेस्ट कोड होते हैं, ठीक है जी। जब भी हम लूप वगैरह चालू कर रहे हैं तो इनको एक एक टैब आगे कर देते हैं, ठीक है जी, एक एक टैब आगे कर दिया। जैसे मैं लूप चालू कर रहा हूं तो इसको एक टैब मैंने आगे कर दिया ताकि मेरे को पता रहे, अब लूप के अंदर ये फाइल्स अलग से आ गया तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एक टैब आगे कर दूंगा, ठीक है जी। इसके अंदर करूंगा एक टैब आगे कर दूंगा ताकि रीडेबिलिटी बढ़ी रहे, बनी रहे इसके, कि डू मेरा खत्म हो रहा है अगर इसके अंदर नेस्टेड इफ है तो एंड इफ कौन से वाले का एंड इफ है मुझे पता रहे, ठीक है जी। तो ये मेथड फॉलो करते हैं इस तरह से, एक एक टैब का स्पेस देते। अब प्रोग्राम देखते हैं मोड टू, यस में आता है एन इवन में बढ़ा रहा है वो, तो इवन इक्वल टू इवन प्लस वन, ठीक है जी, और नहीं तो ऑड इक्वल टू ऑड प्लस वन, ठीक है जी।
इवन ऑड अपने अपने जो है वैल्यू सेव कर रहा है। देख लो यस में ये, यस में इवन है और नो में ऑड है, ठीक है यहाँ तक सही रहा। अब लो आगे बढ़ा, इसके बाद एनकाउंटर, एनकाउंटर यहाँ लगा देंगे हम, एनकाउंटर कौन सा, सी टी आर इक्वल टू सी टी आर प्लस वन, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज है, एक फर्क है, यहाँ तो इसने इवन को जीरो लिया, एक चीज था मेरे को इससे देखने नहीं दी थी जितना आपने किया है। हाँ मैं तो देखने जाता हूँ जितना आपने किया है। ठीक है हाँ जी ठीक है जी। अब एक सवाल उठता है, वो भी मैं ही पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे जो है कि इसको लिखा है n काउंटर जब तक लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ इक्वल टू लगाया है ना, ये 50 वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, तो यहाँ जो पुराना कोड था उसमें इक्वल टू नहीं लगाया था, तो उसमें जो काउंटर का काम कर रहा था वो इवन कर रहा था, और इवन में उन्होंने क्या करवा दिया था, जीरो वैल्यू सेव करा रखी थी, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे जीरो वैल्यू सेव करा दें, ठीक है जी, काउंटर में पहली वैल्यू जो जीरो सेव करा दें, तो इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, अगर मुझे 10 वैल्यू चाहिए तो इस तरह से चला सकता हूँ, अगर मैं इसमें 1 लगा हाँ तो यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ समझ गया सर। छोटी सी चीज, अब मैंने 10 ही रखा, 50 नहीं रखी, अब देखते हैं कि क्या निकलता है। हाँ ये सब करने के बाद यहाँ तक पहुंच गए, लूप जब खत्म हो तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर रहा है, ये ऑड इतने इवन इतने, तो मैसेज बॉक्स में जैसे अगर आपको एक्सेल आता है तो हम थोड़ा सा ना कस्टमाइज मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे ऑड नंबर्स इसमें यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और कंकेटिनेट लगा दिया, और यहाँ पे मैं वेरिएबल दे दिया, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या हो गई, ज्वाइंट हो गई, ये जो टेक्स्ट है ज्वाइंट हो गया, देन फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे इवन के वेरिएबल में, ये एंड के बीच में स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज ये लेगा नहीं, ठीक है, एरर दिखाएगा एंड और वेरिएबल में, तो इस तरह से हम दिखाएंगे अभी इसको। अब देखिए प्रोग्राम को चलाते हैं, F5 करके डायरेक्ट रन कर देता हूँ, वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, कुछ भी डालता जा रहा हूँ, एक गड़बड़ हुई है इसमें, देखते हैं क्या हुई है, नहीं ठीक दिखा रहा, सही है, ठीक है जी, ठीक है। तो सर इसने प्रोग्राम बंद कब किया? हाँ प्रोग्राम बंद कब किया? बंद इसने तब किया कि जब इवन, अरे यार ओहो CTR गलत लगा दिया था मैंने, गलत मैं क्या, इवन के 10 होने पर उसने बंद किया था, इवन की 10 वैल्यू मिल गई तब उसने बंद किया, अब सीटी बल्कि बंद अच्छा CTR पे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे वो काम इवन कर रहा था, यहाँ पे CTR कर रहा है, तो ज्यादा ही ठीक है, ठीक है जी। तो जब तक इसको 50, अच्छा वैसे वहां 50, ठीक है यहाँ 10 ही वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है जी, तो मैंने 10 में से 8 वैल्यू ऑड डाली और 2 वैल्यू इवन डाली, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर है ना सर, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? हाँ जी नहीं सर कोई डाउट नहीं हुआ इसलिए, ठीक है, तो ये काम हो गया अपना,
अब चलते हैं। और देखिए ये डिवाइड के केस में ना, ये मॉड वॉड जब यूज कर रहे हैं तो रिमाइंडर लेने के लिए हमें सिंगल जरूरी होता है, मतलब ये इंटीजर में नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो अगर वो पूरी तरह से पास होके नहीं आ रहा है तो जीरो दिखा सकता है, एरर आ सकती है, कहने का मतलब ये। तो डेसिमल वगैरह के लिए सिंगल या डबल यूज कर सकते हैं, हालांकि उसकी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको पूरी की, कहाँ सिंगल यूज करना है, कहाँ डबल यूज करना है, कौन सा वेरिएबल किस जगह यूज करना है, वो मुझे तो याद है, मैं उस हिसाब से लगा रहा हूँ। आगे देखते हैं एक आधा प्रोग्राम। हाईएस्ट टॉप एनी 10 नंबर्स। तो आप वैसे कल भी क्लास लेंगे ना? ठीक हाँ सर, हाँ है, तो आपको मैं देता हूँ इसमें। तो मेरे ख्याल से आप लूप का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और इफ का हाँ कॉन्सेप्ट जी, समझ गए होंगे, ठीक है? हाँ जी सर, समझ गया हूँ। हाँ, बस इसको समझाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी आप चाहें ना तो इसको यूज कर सकते हैं, अपना खुद बना के देख ठीक है। सकते हैं इनको, ठीक है? अब जो मैंने ऑन पेज कनेक्टर और ऑफ पेज कनेक्टर बताए थे ना, उनकी बात ये, ऑन पेज कनेक्टर ऑफ पेज कनेक्टर कौन से थे? जो हमारी पहले पेज में थे सबसे, ये वाले कनेक्टर ऑन पेज, पेज ऑफ कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक है जी। अब ये यूज होता है जैसे प्रोग्राम टू प्रोग्राम कॉल करनी है हमें। अभी क्या कर रहे हैं, हम एक ही प्रोग्राम बना रहे हैं, अब हम मिक्स करेंगे दो प्रोग्राम, ठीक है जी, जिसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है जी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है जो कि हमारे इसमें होती है, बीबीए में होती है, एक्सेल में मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं ना सर, हाँ, तो यही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है सर? आपने क्या किया यहाँ पे, अब सॉफ्टवेयर की बारी है। अब सॉफ्टवेयर खाली ये सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन से तो बनता नहीं है, है ना, बहुत सारे काम करता है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। मान लीजिए एक तरह का देखते हैं, पहला ये कह रहा है कि एन चॉइस नाम से उसने एक वेरिएबल लिया नोमेरिक का, देन इसने डिस्प्ले किया कि एक मल्टीप्लाई के लिए डाले, दो डिवाइड के लिए डाले, ठीक है जी। फिर उसने किया एंटर चॉइस, एक से दो के बीच में एंटर कीजिए, ठीक है जी, ये अभी डिस्प्ले कर दिया। अब उसने सिलेक्ट किया वन या टू, वन अगर उसे मल्टीप्लाई करना है तो वो वन एंटर करेगा और डिवाइड करना है तो टू एंटर करेगा, ठीक है जी, एक्सेप्ट चॉइस, चॉइस इसी करी। अब यहाँ इसकी कंडीशन लग गई कि अगर चॉइस जो है वन है तो उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई, अगर ये एल्स आता है नो तो फिर उसमें क्या करना है, एल्स इफ वाला वही फंडा लग जाएगा। एक और इफ कंडीशन कि अगर चॉइस इक्वल टू टू है तो क्या करेगा, डिवाइड में चला जाएगा, अगर ये भी नहीं है तो वैसे ही स्टॉप हो, मतलब वो कुछ और भी डाल सकता है, वो ऐसे यूजर तो रिस्ट्रिक्ट ना करो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का ये जो साइन देख रहे हैं ना आप, ये इसका होता है मॉड्यूल्स, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई का यहाँ से साइन उठ के आएगा और हमने एक प्रोग्राम बना रखा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया और इसने क्या किया, नुमेरिक नम वन नम टू नम थ्री एन प्रोडक्ट, तीन वेरिएबल डिक्लेयर, चार वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें से तीन वैल्यू लेनी है और उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है यूजर, ठीक है, यूजर से तीन वैल्यू ले ली, ठीक है जी, मल्टीप्लाइज के केस में। फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, रिटर्न कहाँ हो गया, यहाँ पे वापस, और इस फ्लो के साथ यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है जी। ठीक है। मान लीजिए वो डिवाइड के उसमें आता है तो डिवाइड से यहाँ पे चला, यहाँ उसने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और फिर उनको क्या किया, यहाँ पे एक लूप सा दिख रहा है मुझे, एक्सेप्ट नम वन नम टू, ठीक है जी, दो नंबर एक्सेप्ट कराए इसने, इज नम टू इज इक्वल टू जीरो, हाँ, इन्होंने ये चेक किया कि कहीं जीरो तो नहीं है,
ठीक है जी, अगर जीरो है तो ये चले गए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, जो डिवाइडर से करेंगे जीरो से करेंगे तो एरर दिखाएगा, डिवाइड डिवीजन जीरो से तो होता नहीं, तो ये वापस लाके पटक देगा दोबारा से नंबर को, ठीक है। और यहाँ पे अगर नंबर जीरो नहीं होता है तो डिस्प्ले एन नंबर डिवाइड बाय नंबर टू, इसको डिस्प्ले कर देता है, मतलब अब मैसेज बॉक्स के अंदर इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे, और रिटर्न हो गया इस प्रोग्राम के डिवाइड पे, और यहाँ से हो गया इसका, ठीक है ना। अब ये करेंगे कैसे, सिंपल सी चीज है, ये बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख रहे हैं मैंने क्या क्या यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, फिर मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया, ठीक है जी। अब मैं एक कंडीशन के बेस पे इनको कॉल कर सकता हूँ अपने तीसरे प्रोग्राम को, टेम्प के नाम से एक प्रोग्राम बना दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, सिंपल से इन आई एज इंटीजर आई नम, ठीक है जी, इनपुट इनपुट बॉक्स यहाँ पे भी एंटर चॉइस, ठीक है जी। और भी मैसेज दे सकते हैं, वन ऑफ बेसिकली मैं 1 2 दूंगा, तो अब इसमें लगा दूंगा इफ आई इक्वल टू 1, देन ये कौन सा प्रोग्राम चलाएगा, यहां बस उसका मुझे नाम लिखना है, जैसे ए है ना, मैंने नाम दिया था ए, देख वो प्रोग्राम, इसमें मैंने क्या करना है, आप एल्स में कुछ और भी हो सकता है, तो एल्स चेक करना पड़ेगा, आई इक्वल टू 2, देन 2 हो तो बी चला दें, ठीक है जी। इसके एल्स में अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो कुछ भी ना चला, एंड इफ हो गया, ठीक है जी, कुछ भी ना चला, कुछ करेगा ही नहीं, या मैसेज डिस्प्ले आ दी, मैसेज डिस्प्ले करवा दीजिए, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। ये वाला जो प्रोग्राम था वो क्या था, एनलार्जेस्ट डिस्प्ले करने के लिए था, बी वाला जो था एज को करने के लिए था, ठीक है जी। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, यहाँ चॉइस मांग रहा है, 1 मैंने एंटर किया, ओके कर दिया, अब वो नंबर 1 आ गया, नंबर 1 मांग रहा है मेरे से, नंबर 1 किस में था, लार्जेस्ट वाले प्रोग्राम में, ठीक है जी। तो इसको मुझे दिखा दिया, कर दिया काम, ठीक है जी। मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर चॉइस 2 डालता तो दूसरा प्रोग्राम आता है, एंटर नहीं मांग रहा है ना, तो 20 डाली, 20 से इस डिस्प्ले करा दी, ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रोग्राम चलता है, मान लीजिए इसमें और चॉइस डाल देता 4, तो रॉन्ग चॉइस, ठीक है जी। यहाँ तक समझ गए ना कि हम 2 प्रोग्राम अलग अलग बना के उसको एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, सिर्फ उनके नाम में, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का पूरा फंडा है, ठीक है। और देखता हूँ और कुछ और बाकी एक्सरसाइज है, ये आपका हो गया, ठीक है जी, ठीक है। तो पीएलटी कंप्लीट हुई, कल से हम फिर आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से इसकी वजह से आपको काफी मदद मिलेगी एक्सेल प्रोग्राम ये वीडियो को समझने, ठीक है जी। हाँ जी सर, मैं यहाँ तक अच्छी तरह रिवाइज कर लूंगा आज, क्या और हाँ मैं बोलो मैं अच्छी तरह रिवाइज कर लूंगा, ठीक है जी। और आपके ऐसे ये है कि जैसे जैसे सीखते जाए ना, इन प्रोग्राम को लॉजिक तेज करने के लिए छोड़े ना, इनको करें, ठीक है जी। जैसे यहाँ कितनी सारी इसकी कंडीशन है, ठीक है ना, बहुत सारे, मतलब एक्सरसाइज आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। बाकी फिर कल सर ये आपको फाइल, सर कल क्लास थोड़ी जल्दी कर सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो,
कितने बजे चाह रहे हैं? 7 बजे कर लेते हैं, नहीं मतलब 7 साढ़े मतलब 12 बजे इंडिया टाइम कर लेते हैं। 12 बजे। हाँ 12 बजे, 10-12 बजे कर लेंगे। जल्दी करना चाहे जल्दी कर लेंगे। नहीं एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर 7:30 बजे होएंगे, 7:30, 7, 7:30 से पहले तो मैं भी चाय करूंगा तो। हाँ जी ठीक है, कल 12 बजे। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है।